अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरिबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेपर सल्फ के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है हेपर सल्फ। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मदद कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हेपर सल्फ जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रोज़ाना यूज़ होने वाली, क्लिनिकली यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रोज़ाना डेली यूज़ होने वाली ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें बात करेंगे कि आप किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हेपर सल्फ जो होती है वो स्किन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, या फिर कफ़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी खांसी के लिए। बहुत शिद्दत के साथ जो खांसी होती है जिसमें आपकी सांस उखड़ जाए, उस खांसी में हेपर सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी किस्म की खुशक खांसी जब होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, हेपर सल्फ जो होती है स्किन डिजीज़ में या स्किन इरप्शन में या पिम्पल्स में या ऐसे दाने आपके अगर हो जाते हैं जो आपके नहीं जाते किसी भी तरह से कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से, तो हेपर सल्फ उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। फोड़ा, फुंसी और इस तरह की अगर कंडीशन है, या कोई ज़ख़म ऐसा पक जाता है या फोड़ा आपका पक जाता है, ठीक नहीं होता, दर्द करता है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है हेपर सल्फ। तो बात करते हैं कि हेपर सल्फ किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, हेपर सल्फ कहाँ पे किस पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँगा। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा, ताकि आप इस मेडिसिन का सही से इस्तेमाल कर सकें और इसकी इन्फॉर्मेशन आप सही से हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, हेपर सल्फ जो होती है, अगर आपके चेहरे पे कहीं पिंपल्स हो गए हैं या दाने हो गए, पस वाले दाने हो गए हैं, या आपके स्किन इरप्शंस हो गई हैं, कहीं पे आपके स्किन में आपके दाने वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, या आपके फोड़े हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं जिसमें पस पड़ जाता है, या दानों में आपके जो चेहरे पे दाने निकलते हैं, जवानी में भी निकलते हैं, एक एज होती है जब इंसान जवान होता है, उसके ग्लैंड्स जो होते हैं फेस के, जो ग्लैंड्स होते हैं वो चेहरे के, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं जवान होने में, जब जवान होते हैं या बालिग होते हैं मेल्स और फीमेल्स, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ग्लैंड्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, जिसकी वजह से पिम्पल्स वगैरह, दाने वगैरह, पीप वाले दाने, मवाद वाले दाने और निकलने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा निकलते हैं और वो कम नहीं होते हैं। तो हेपर सल्फ जो होती है बहुत अच्छा काम करती है इस तरह की कंडीशन में, या आपके अगर अक्सर फोड़े फुंसी की शिकायत रहती है, आप तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हेपर सल्फ इस्तेमाल कीजिए। हेपर सल्फ जो होती है आपके हर तरह के फोड़े और फुंसियों को ख़त्म कर देती है। लेकिन आपने हेपर सल्फ का इस्तेमाल किस तरह से करना है, चलिए ये जान लेते हैं। आपने कहाँ पे हेपर सल्फ की कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी है फोड़े फुंसी और खांसी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अगर कोई फोड़ा हो गया, कोई दाना हो गया, कोई फुंसी बड़ी हो गई है और वो पक गई है, पस पड़ गया है उसके अंदर, और आप उसको फिर निकालना चाहते हैं, तो आपको पहले उसका पस निकालना पड़ेगा। तो आपको अगर उस फोड़े को पकाना है, उस फुंसी को पकाना है, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए, पस उसका निकल नहीं रहा है, वो दर्द कर रहा है, थोड़ा बना है, पूरी तरह से नहीं पका है, तो आप हेपर सल्फ जो है 6CH पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि अगर आपने फोड़े को पकाना है तो 6CH पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। हर 2 घंटे के बाद 2-2 कतरे इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इससे जो है आपका फोड़ा जो है 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल पक जाएगा और उसमें से पस निकलने लगेगा। और जब इसमें से पस निकलने लग जाए, तो आप इस पस को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, कॉटन से साफ़ कर लीजिए, या पायोडीन से, या फिर कैलेंडुला जेल से इसको साफ़ कर लीजिए। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, इसका पस पूरा निकल जाए, वो ज़ख़म रह जाता है, घाव रह जाता है, तो उस घाव के लिए फिर आप 6CH पोटेंसी को बंद कर देंगे। याद रखें, जब पक जाए, पस निकल जाए, पस साफ़ कर लें किसी भी चीज़ से, उसके बाद आपने 200 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। 2 कतरे आपने 200 पोटेंसी के हेपर सल्फ के सुबह लेना है और दोपहर लेना और शाम में लेना है। 2 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो पस आपके पड़ गया था, जो ज़ख़म हो गया था, वो 200 पोटेंसी से खुशक हो जाएगा, वो ज़ख़म बिल्कुल घाव ख़त्म हो जाएगा, उसमें दोबारा पस नहीं बनेगा। याद रखें, अगर आपने किसी ज़ख़म को, फोड़े को, फुंसी को अगर आपने खुशक करना है, तो 200 पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर
सवेर शाम दो दो कतरे लेंगे, लेकिन सिर्फ दो टाइम इस्तेमाल करेंगे, दो दिन इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। 200 पोटेंसी का दो दिन में यह आपका जो फोड़ा या फुंसी है यह खुशक हो जाएगा। तो याद रखें, अगर आपके पस कहीं नहीं बना है, सिर्फ रेडनेस आई है फोड़े के अंदर, अगर पस नहीं बना है तो आप डायरेक्ट 200 पोटेंसी लेके उसको खुशक कर देंगे ताकि वह दोबारा उसमें पस ना बने। लेकिन अगर पस बन गया है तो फिर 6CH पोटेंसी से पहले उसको पकाएंगे, फिर जब वो साफ़ हो जाएगा तो उसको खुशक करने के लिए आप 200 पोटेंसी का दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी होती है, बहुत शिद्दत के साथ खांसी की शिकायत है, आपको आराम नहीं आ रहा है खांसी में, तो आप जो 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे हाइपरसल्फ की, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, इसको एक हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी कफ की शिकायत, खांसी की शिकायत, जो बहुत शिद्दत से आपको खांसी हो रही है, आप एक हफ्ते में इसको इस्तेमाल करेंगे एक हफ्ते तक, तो इंशाल्लाह आपकी खांसी की शिकायत दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले। आपके लिए कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेहतर है, आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।